और चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पर चल रहा है गुरु पूर्णिमा पर्व कार्यक्रम और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त इंदौर से, जहां पर देखिए इस वक्त पहुंच गए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पर्व के अवसर पर। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और अपने सभी अगवानी करने वालों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाने वाले सभी गुरुजनों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके कैबिनेट के सहयोगी तुलसीराम सिलावट उनके साथ मौजूद हैं और मंत्री राकेश सिंह वहां नज़र आ रहे हैं। इंदौर में गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा कर सभी अध्यापकगण गुरुजनों का सम्मान इस वक्त पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए मंच पर पहुँच गए हैं और ये तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का आज जन्मदिवस होने के नाते इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। और आज का दिन सभी गुरुजनों को समर्पित किया जाता है, वो गुरु जिन्होंने अज्ञानता के अंधकार से निकालकर हमें ज्ञान का प्रकाश दिया और इस ज्ञान की रोशनी में जीवन जीना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। कई विषय ऐसे जिन्हें समझना मुश्किल होता है, उन्हें अब गुरु के मार्गदर्शन से आप सरलता से समझ पाते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उन्हीं गुरुओं के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच गए हैं और इस वक्त मंच पर मौजूद कॉलेज के प्रोफेसर्स भी वहां पहुंचे हैं और जिन पर पुष्प वर्षा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका सम्मान किया, उन्हें पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया है। और अभी इस वक्त गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट के सहयोगी वहां मौजूद हैं इस वक्त मंच पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का आज दिन ये गुरुओं को समर्पित दिन है और देश भर में अलग अलग जगह कई कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूल्स में भी ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के उन अध्यापकों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालय में पाठन कार्य कर रहे हैं। और तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के कुछ सहयोगी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन, महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन और आज ही के दिन इसी सम्मान में गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और ये यूं भी खास हो जाता है क्योंकि गुरुओं का जीवन में कितना महत्व है। एक गुरु जब चाह ले अपने शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने की बात ठान ले तो उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। ऐसे में आज न सिर्फ अपने गुरुओं का सम्मान पूजा पाठ बल्कि उनके द्वारा बताए गए रास्तों का अनुसरण करने की भी आवश्यकता है। उन्हें सम्मानित करने के लिए एक बार मिलना भी ज़रूरी है और उन्हें इसी तरह से सम्मान देना है, क्योंकि जिस तरह का जीवन संघर्षों से भरा रहता है उसमें गुरुओं के
मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता होती है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है और दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां दीप प्रज्वलन करने के लिए मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर में वहां गुरुजनों का सम्मान करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और बढ़ते आगे, चिरमिरी में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दरअसल घर में घुसकर रॉड, तलवार और लाठी और डंडों से मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज